नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पे कतर के मामले में। जी हाँ, क्यूईसी क्या होती है भाई, आपको सबको पता है। अगर क्यूईसी की फुल फॉर्म देखा जाए तो कतर वीज़ा सेंटर, जी हाँ, जो लगभग 7 कंट्रीज़ में बनाए हैं जिसमें इंडिया का भी नंबर आता है भाई। हालांकि ये कानून बन गया था बहुत समय पहले, लेकिन इस पे हम आज अभी बात कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारे सामने निकल के आया कुछ बंदों का कि सर क्यूईसी मेडिकल क्या होता है। तो इस पे रिसर्च किया तो भाई देख के ये बात देखने में सामने आई कि ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो लोग कतर में जाते हैं इंडिया से वर्क परमिट वीज़ा में, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि भाई ये क्या सिस्टम होता है। इसमें अच्छी बात ये है कि मेडिकल होता है फिर भी आपका पैसा नहीं लगता। इंडिया में कौन कौन सी जगह पे हैं उनका एड्रेस वगैरह हम सब डिटेल से बात करेंगे, मेडिकल वगैरह कैसा होता है। तो भाई वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको कतर से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ भाई, आपको पता भाई कतर ने, बता दूँ अच्छी बात ये कि 2020 के बाद में बहुत सारे ऐसे कानून लेबर हित में बनाए हैं जिसमें मिनिमम सैलरी फिक्स की आपको पता है 1500 कतरी रियाल, उसके बाद में और भी नियम बनाए हैं जिसमें एनओसी वाला सिस्टम कंपनी आप बदल सकते हैं या फिर आपके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम बनाए। इसमें एक मेडिकल से रिलेटेड भी है कतर क्यूईसी सेंटर। जी हाँ, कतर ने 7 देशों में कतर वीज़ा सेंटर ओपन किए हैं। जी हाँ, हालांकि यहाँ 7 देशों में सबसे ज़्यादा वर्कर कतर में जाते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया फर्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया है भाई। 8 देशों में सेंटर बनाए जिसमें इंडिया में पहले यह शुरुआत की गई थी 27 मार्च 2019 को। जी हाँ, जिसमें पहले 5 वीज़ा सेंटर थे, अभी इसको 7 बढ़ा के कर दिए, 2 और बढ़ गए। हो सकता है भविष्य में ज़्यादा और भी बढ़ सकते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में भी आ सकता है क्योंकि भाई राजस्थानी लोग कतर में खूब सारे रहते हैं। तो जहाँ जहाँ वर्कर जो जिस स्टेट में ज़्यादा लोग वर्कर रहते हैं वहाँ वहाँ ये सिस्टम बनाया गया है। जी हाँ, तो क्यूईसी वीज़ा सेंटर का मतलब ये होता है, सीधी सीधी अगर भाषा में बात करें तो ये वीज़ा सेंटर जहाँ पे आपको जाना होता है मेडिकल के लिए। जी हाँ, अब पहले आप जैसे हमारे इंडिया राजस्थान में बात करें तो जयपुर मेडिकल होता था, लेकिन अब ये मेडिकल अलग तरीके से होगा और आपका पैसा लगता था। पहले तो भाई कतर का मेडिकल ही नहीं होता था, नॉर्मल मेडिकल तो वर्क परमिट वीज़ा भी मिल जाता था, लेकिन अभी इस प्रोसेस को थोड़ा सा वर्करों के हित में, देखिए वर्करों के, कोई भी सरकार अगर कोई नियम लेके आती है लेबर कैटेगरी से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड, तो ये उनके हित में होता है। हो सकता है अपने समझ में नहीं है तो अपने को लगता है यार ये क्या गलत काम कर दिया। पहले तो अब राजस्थानी वाले समझेंगे, पहले तो जयपुर से हो जाता था या होता ही नहीं था, अब दिल्ली जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए, तो एक लफड़ा होता है। लेकिन ये तो लफड़ा एक दो दिन का होता है, लेकिन आप 2 साल आराम से कंपनी में काटोगे, वो अच्छी बात है ना। इसमें देखिए कंपनी ने बहुत सारे बेनिफिट देखते हुए ये सिस्टम अपनाया है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होगा उसमें वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले मेडिकल से रिलेटेड। देखिए ये मेडिकल प्रोसेस आपका इंडिया में होगा कम से कम 5-6 जगह, 7 जगह का इसमें एड्रेस है। एड्रेस भी मैं वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करें तो केरला, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ। जी हाँ, यहाँ पे वीज़ा ये क्यूईसी मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पे आपको जाके अपना मेडिकल करवाना होता है। अब मेडिकल में क्या प्रोसेस रहेगा, फ़ीस की अगर बात करें तो मेडिकल की फ़ीस 10 से 12 हज़ार रुपये आपकी लगेगी, जिसमें बायोमेट्रिक भी शामिल है, हाथों के फिंगर। जी हाँ, पूरा मेडिकल जो बॉडी का है वो चेकअप होगा, जिसमें आइज़ या बायोमेट्रिक अलग होते हैं, बाकी पूरी बॉडी चेक होगी, जिसमें आपकी शुगर वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह है, या फिर आपको कोई टिटनेस का टीका वगैरह, सब कुछ प्रोसेस होगा पूरा एक नंबर में, पूरी बॉडी चेकअप होगी। उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, उसी टाइम आप बायोमेट्रिक भी करवा लोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसका मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद में आपका वीज़ा अप्लाई होगा। जी हाँ, और वीज़ा की जो फीस है ना ये आपको नहीं देनी है। सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये निकल के आता है कि ये फीस आपको नहीं देनी है, आपकी कंपनी, आपका नियोक्ता या जो आपको वीज़ा दे रहा है या जो आपको रिस्पॉन्सर कर रहा है वो आपको ये फीस भुगतान अपने आप वहीं हो जाएगी, आपको पैसा नहीं देना। ये एक अच्छी बात आप लोगों के लिए हो सकती है। जी हाँ, इसमें अगर मेडिकल के समय की बात करें तो भाई देखिए मेडिकल का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक, संडे और सैटरडे की छुट्टी होती है। सेम ही प्रोसेस बायोमेट्रिक के साथ होता है, सुबह 8:30 बजे से 4 बजे तक का प्रोसेस रहेगा। अगर आप कतर वर्क परमिट वीज़ा में जाते हैं तो इस तरह से आप मेडिकल वहाँ पर करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ये लगी कि वहाँ पर जहाँ पर आप ये बायोमेट्रिक करवाएंगे, आपका प्रोसेस करवाएंगे मेडिकल से रिलेटेड, वहाँ पर आपका अग्रीमेंट भी आपके आंखों के सामने रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर एजेंटों की लंका लगने वाली है, क्योंकि जो लोग आपको फुतू बना के भेज देते थे कि तुझे 2000 मिलेगा, तुझे 2500 मिलेगा, अब वो अग्रीमेंट ओरिजिनल कंपनी का आपकी आंखों के सामने होगा जहां आपका मेडिकल हो रहा है वहां पे कतर मेडिकल सेंटर में। जी हां,
तो ये आप उसमें देख पाओगे कि आप कौन से जॉब में जा रहे हैं, कितनी आपकी तनख्वाह है, कितनी ड्यूटी है, क्या क्या कंपनी की सर्विस मिलेगी, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप एग्री होते हैं तो आप उसको साइन करेंगे, एग्री नहीं होते हैं तो आप साइन नहीं करेंगे, आप मेडिकल नहीं करवाएंगे। जी हाँ, तो ये एक आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि भाई जो एजेंट बेवकूफ़ बना के आप लोगों को भेज देते थे उनके लिए वो आप झूठ बोलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, हालांकि कतर सरकार ने तनख्वाह बढ़ा दी, आप सबको पता है भाई 1500 मिनिमम सैलरी कर दी है, लेकिन फिर भी भाई क्या है 1500 कर दी तो एजेंट 2500 बताने लग जाते हैं, उनको कौन से जेब से देना है। वो कंपनी में जाते हैं फिर वो फंस जाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर वो फंसा गए, उनका काम है पैसा लेना फंसा देना बस। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलने वाला। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है भाई आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आप कतर जैसे जाते हैं विजिट वीज़ा में, अभी बहुत सारे लोग विजिट टू वर्क ही जा रहे हैं, अगर कतर यहाँ से विजिट में जाकर वहाँ कन्वर्ट करवाते हैं तो उसमें ये प्रोसेस लागू नहीं होगा। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो वर्क परमिट वीज़ा में इंडिया से कतर जाते हैं उनके ऊपर ये बातें लागू होंगी। तो आई होप ये बात आपको अच्छी लगी होगी, आपके हित में ये बात है। वीडियो अच्छा लगे तो आप ध्यान रखना भाई, कतर का मेडिकल का पैसा आपका नहीं लगेगा। कुछ जो अलग दिमाग के टोपीबाज एजेंट होते हैं ना, वो मेडिकल के नाम से पैसा ले सकते हैं, आपका पैसा नहीं लगने वाला एक चवन्नी भी, ध्यान रखिए इस बात का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।